हेलो एवरीवन आई एम अ डॉक्टर अवनिका कपूर धवन आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट जीवा फर्टिलिटी सेंटर तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी फूड क्रेविंग्स के बारे में हमने बहुत बार ये देखा है कि हमारी फैमिली में बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए अपनी क्रेविंग्स को नहीं आ, मारना चाहिए उसको जो भी आपको लगे अच्छा लगे बुरा लगे वो सब कुछ खा लेना चाहिए बट फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेल यू कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स में क्या करना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है तो प्रेगनेंसी की फूड क्रेविंग्स क्यों होती है हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मूड स्विंग्स क्रेविंग्स ये सब ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में जो कि एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ी ज्यादा होती है कभी हमें मीठा खाने को मन करता है कभी सॉल्टी खाने को मन करता है कभी जंक खाने को मन करता है कभी कुछ अनहेल्दी खाने को मन करता है जैसे मिट्टी चौक या नील बाइटिंग ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमने देखी हैं तो अगर आपको मन करता है कि हम बहुत सॉल्टी खाना खाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है कभी लगता है कि बहुत ही स्वीट खाना खाए वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी मेडिकल होती है, जिसमें ये ज्यादा खाने की वजह से वो या या तो बढ़ जाएंगी या अगर आपको पहले से नहीं है तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट खाने से बीपी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बच्चों में प्रीटर्म डिलीवरी अः मदर्स में बीपी के जितने भी हाई रिस्क किडनी और लिवर इन्वॉल्वमेंट्स ये सब पाए गए हैं और अगर प्रेगनेंसी में ज्यादा मीठा खा लें तो डायबिटीज वगैरह ज्यादा बढ़ जाती है तो कि शुगर इनटेक हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कम मात्रा में होना चाहिए नहीं तो मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज वगैरह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल ऑलमोस्ट 50 टू 60 परसेंट महिलाएं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज और बीपी हो जाते हैं जैसे कि हमने देखा है कि अनहेल्दी खाना खाना जैसे मिट्टी चौक नील बाइटिंग ये क्यों होता है इस कंडीशन को हम कहते हैं पाइका पाइका क्यों होता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन तो ये पाइका का रूप ले लेती है तो हमें मन करेगा प्रेगनेंसी में कि हम मिट्टी खाएं चौक खाएं नील बाइटिंग करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिट्टी खाएं तो कुछ फैमिली वाले बोलते हैं आप खा लो मिट्टी कोई बात नहीं थोड़ी बहुत मिट्टी खाए तो कोई बात नहीं नहीं ये रॉन्ग है इसको हमें जो डिप्लीशन है हमारी बॉडी को उसको कवर करना है कैसे कवर करेंगे हम आयरन रिच फूड खाएंगे जैसे गुड़ हुआ आ, पीनट्स हुए ये सब खाके आप आयरन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हो और जितनी भी हरी सब्जियां हैं फल फ्रूट ये सब खा सकते हैं जिन भी फल में थोड़ी सी कम मात्रा में शुगर है उसका इनटेक आप कर सकते हैं कैल्शियम रिच डाइट दूध दही पनीर ये सब चीजों का इनटेक आप बढ़ा सकते हो तो ये पाइका की जो हैबिट है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं या कहीं और जाके आ, ऐसा ऑफिस वाला वर्क है जहां पे आपको टाइम नहीं मिलता आप बिन जीटिंग करते हैं जंक फूड खाते हैं बर्गर पिज्जा ये सबकी फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं तो आप इन सब चीजों को कम कैसे कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग रन में आपकी प्रेगनेंसी को कहीं ना कहीं बेबी को और आपको हार्म करेंगे तो आप इसको कैसे कम करोगे आप इसकी जगह आप डाइट्स जैसे मखाना डाइट हुआ ड्राई फ्रूट्स डाइट हुआ पीनट्स हो गए या कुछ ऐसी फ्रूट्स काट के ले गए या थोड़ी बहुत सब्जियां ले गए सैलेड ले गए इन सब चीजों से आपकी नाइट क्रेविंग्स, मॉर्निंग क्रेविंग्स ये सब चीजें कम होगी दूसरा हमने देखा है कि अगर प्रेगनेंसी में स्लीप बहुत अच्छी हो 10 hours की sleep हो, तो एडिक्वेट स्लीप तो आपको ये फूड क्रेविंग्स को ऑटोमेटिकली कम कर देगी रात में कम जागना ये सब फूड क्रेविंग्स को ऑटोमेटिकली कम कर देगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रेगनेंसी में वेल बैलेंस डाइट हो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो प्रोटीन्स भी हो कैल्शियम भी हो विटामिन भी हो आयरन रिच डाइट भी हो एक वेल बैलेंस फूड होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो मदर के लिए और बेबी के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है इफ यू स्टे इनसाइड हेल्दी यू विल स्टे आउटसाइड हेल्दी थैंक यू सो मच